यहाँ पे आते आते मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। कौन बोल रहा है मैं प्रेग्नेंट थी? मैं बोली हूँ, अब दिखाइए कौन ऐसा दिन नहीं है कि मेरे पास एक दो आदमी नहीं रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आरके पांडे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम फाइनली आ चुके हैं अभिषेक का घर, और अभिषेक का घर जो मर्डर हुआ है अभिषेक का, उसमें मंजिली एक दिन बाद अभिषेक के घर आई है। तो दोस्तों उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि मंजिली किस आधार पे यहाँ आई है और कैसे उसको रखा जाएगा, उसके साथ क्या होने वाला है। और आप देख पा रहे हैं इस गाँव का नाम है धारोपाली, साहेबगंज से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों चलिए हम अभिषेक की माँ से जानते हैं कि मंजिली को कैसे रखा जाएगा यहाँ पे और क्यों रखा गया है। तो दोस्तों अभिषेक की माँ का कहना है कि मंजिली इनके घर आई है तो वो उनको एक गवाह के रूप में रखा गया है। जब तक इनकी पूरी गवाही ना हो जाए तब तक मंजिली को यहीं रखा जाएगा, क्योंकि इनका गवाही है तो इसको सेव रख। नहीं, लड़की जो आई है वो तो उस दिन से नहीं, मर्डर हुआ उस दिन से नहीं, उसके कॉल होकर आई। जब कॉल होकर आई, हाँ, जब अब शेख मेरा नेतापुर ने गया था ना उसी गांव में, तो सुबह तक वो नहीं आया। अच्छा। तो सारे लोग चर्चे करने लगे कि अभी तक अब शेख नहीं आया है, न उसका फोन उठा रहा है, अभी तक नहीं आया। कहीं भी जाता था तो आ जाता था, लेकिन आज अब रात नहीं आया, 8 बज गया नहीं आया। तो उसी गांव के भगवानपुरी गांव के लोग, वो वहां से 4-5 आदमी आए। हम तो खैर यहां थे नहीं, हमारा तो तबीयत खराब है, दिल्ली का इलाज चल रहा है। हम तो सब परिवार से एक भी दिल्ली रहता था, लेकिन वो परीक्षा देने के लिए यहां आया 6 नवंबर को। हाँ, 11 नवंबर से उसका पेपर शुरू था, तो वो यहाँ आया। उसके बाद में जो मेरा अभिषेक उसी गांव में से न्योता आया, तो अभिषेक मेरा गया वहां भगवानपुर, और सुबह तक ही नहीं आया। तो उसी गांव के लोग आए और कहे कि मोबाइल पर सर्च कर देखे हैं कि आपका अभिषेक के पापे के नाम से वो बाइक था, तो सियाफी का भाई का नाम से मेरे भैसुर जी को यहां लोग आए बताएं। तो भैसुर जी हमारे वहां और आदमी को लिए और गए कि भाई उतना जंगल उतना पातर में बाइक है या मेरा अभिषेक कहाँ है। तो भाई जी हमारे सब आदमी सबको लिए और ले कर वहाँ गए, तो जिस तरह लोग बताए थे उस तरह बाइक वहाँ रोड पर लगा हुआ है। तो हमारे भाई साहब ने बोले कि बाइक तो ठीक है, लेकिन लड़का है कहाँ, है कहाँ। तो भाई जी ने खोजने लगे कि बाइक को तो भी मिल गया, अब से कहाँ है। लोग इधर उधर लोग ढूंढने लगे और बहुत उसी पास में बहुत जंगल उंगल था, खंता भी था, तो उस खोजते, हाँ खोजते खोजते लोग गए तो नजर पड़ा। तो हल्ला उल्ला होने लगा। तो अब से सारे लोग, सब गांव के लोग, वहाँ के लोग, सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारे बहुत लोग आ गए। तो हुआ कि थाना को खबर किया जाए। तो साहेबगंज थाना में खबर हुआ, तुरंत नहीं थाना, आधा घंटा के अंदर में हमारे थाना वहाँ पहुँच गए। और पहुँच कर वो बता रहे हैं ये तो हम कैसे करें, ये तो बॉर्डर पर इलाज पड़ा हुआ है, और मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के बॉर्डर पर है, से हम कैसे अथी करें। इसी अथि में हमारे साहेबगंज के थाना रुके हुए और केसरिया थाना को खबर गया। तो तुरंत तो आना चाहिए ना, जब खबर गया तो तुरंत आना चाहिए ना। जैसे मेरे साहेबगंज के थाना है उसी तरह अगर आधा घंटा ना, 1 घंटा या 2 घंटा माने, लेकिन केसरिया थाना आए नहीं। ये सुबह 9 बजे की कहानी है, 10 बजे तक हमारे साहेबगंज के थाना आ गए और 5 बज गया तब तक केसरिया थाना नहीं आया। दोस्तों देख पा रहे हैं वो जो थाना केसरिया है, केसरिया थाना को आना चाहिए लेकिन नहीं आया। इसका मतलब लग रहा है कि थाना से भी कुछ सेटिंग था ये लोग का, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई, हमारा कहने का यही अति है कि अगर कोई दारू बिका रहा है, कहीं कोई बेच रहा है, तो वहाँ जल्दी थाना पहुँचते हैं, रात में भी खबर होता है तो वही जल्दी आ जाते हैं। और अगर मर्डर को खबर गया तो थाना इतना, केसरिया थाना इतना लेट क्यों आए?
क्यों आए हैं? मेरा साहब का थाना इतना जल्दी क्यों पहुंचे? काहे कि ये चाल थाना को दबाया गया है, वहां पैसा दिया गया है, इसलिए तो इतना लेट आए। और लेट आए तो दोनों थाने ने आपस में झगड़ा करने लगे कि भाई आपका साइड के है तो आपका साइड के है, कहे कि इस तरह बजाएंगे मामला और जो कातिल है वो अपना कहीं दूर भाग जाए, निकल जाए। यही फेर में लोग लगने लगे, लाश जाने के लिए हुआ तो केसरिया थाना कह रहे नहीं आपके साइड के हैं, ये बोलने लगे नहीं आपके साइड में, आपस में दोनों थाने के झगड़ा होने लगा। तो मेरे साहेबगंज के थाना बोले कि हम सिक्कर गिराएं किसके साइड के हैं, यही सब होने लगा। सब लोग अति बोले कि ठीक है इसको पोस्टमार्टम आप लोग उठाइए और अति कीजिए, तुम्हारे मुजफ्फरपुर थाना मेरे लड़के को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। आ देखिए चतुर केसरिया थाना और बाइक ले गए केसरिया थाना, केसरिया थाना और मेरे लड़के को लाश ले गया मुजफ्फरपुर थाना। यही न्याय है, यही न्याय है। देखिए किस तरह केसरिया थाना और जिला परिषद हो या चौकीदार हो या मुखिया हो, उनके दबाव में दबे तब तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ना। पूरी सेटिंग के साथ ये मर्डर हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। और क्या कहा जाए, फिर हम बात करते हैं, जाइए आप खाना खाइए। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग बने रहे। ये चाहिए तैका दर कैमरा खोल दी, हम कहे के चाहिए तरी है कि कोई लड़का लड़की दोनों की गलती होखा लेकिन ना, तो कोई प्रेमिका के पास कोई प्रेमी के पास कोई जाले बुलावले तब ना जाले, तो सबसे पहले मारे वाला के समझे के चाहिए कि डंडा हो या टांगी हो या कुदारी हो कोई भी चीज, सबसे पंचायत नहीं है, है? पंचायत है ना, उसको उसको पहले उसको पहले टांगी उठाने से पहले सबसे अपने बहन पर चलाता कि बहन तुम्हारे ही खातिर हमारा दोस्त हो या तुम्हारा प्रेमी हो, तो पहले एक तो हम उस वो हमारा दोस्त है, दूसरा नंबर कि तुम्हारे पास आया है तो तुम ही बुलाई होगी, तो पहले तुम्हें मारेंगे, तुम्हें गिराएंगे, तुम्हें हर चीज करेंगे, मेरा आपसे कत्ल क्यों हुआ मेरे आपसे के साथ, वो क्यों बच गई, अपना बहन को क्यों नहीं मारा, अपना बहन को मारता बस। पूरी तरह से आपका इंसाफ मिलने वाला, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इन लोगों तक हम पहुंच पाते हैं।